जातिवादी सोच रखने वाले लोग बीएसपी को नीचा दिखाने में व उसके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और उनमें से खासकर जो पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता में होती है तो वह साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाकर वह बीएसपी के विधायकों आदि को भी तोड़कर हमारी पार्टी व मूवमेंट को कमजोर करने में ही लगातार लगी रहती है। और खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि जैसी ये विरोधी पार्टियां ये रत्ती भर भी नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानवतावादी संविधान उनकी सही मंशा के हिसाब से इस देश में लागू हो, तथा यहाँ बहुसंख्यक गरीब मजलूम व उपेक्षित वर्गों आदि के जीवन स्तर में कुछ सुधार होकर उन्हें लाचारी व गुलामी के त्रस्त जीवन से थोड़ी राहत एवं मुक्ति मिल सके। जबकि यहाँ यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में चार बार के रहे शासन काल में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ने ये देख लिया है कि विशेषकर सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास से लोगों के जीवन में कैसा जरूरी बुनियादी सुधार लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में दूसरी सभी पार्टियों का रिकॉर्ड, जो विरोधी पार्टियों का रिकॉर्ड है, वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को ही अब तक दर्शाता रहने का ही रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि विशेषकर कमजोर वर्गों, जनहित व जन कल्याण के खास मामले में बीएसपी के आयरन विल पावर किसी भी विरोधी दल को कैसे पसंद आ सकता है। इसलिए उनका षड्यंत्र पहले की तरह ही अभी भी लगातार जारी है, और ये सब देश में होने वाले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब फिर से हमें यहाँ देखने को मिला है। इस संबंध में भाजपा जहाँ सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं, और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। जबकि बीएसपी जनहित के लगभग हर खास मामले में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हमेशा से सहयोग करती रही है, किंतु पहले बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में एक तरफा व मनमाने तौर पर केवल चुनिंदा पार्टियों को ही बुलाना, और फिर उसके बाद श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। ऐसे में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर वह माहौल बनाकर खासकर यूपी के इस बार के विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को काफी नुकसान किया है। बल्कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को बीएसपी के खिलाफ व सपा के पक्ष में इतना ज्यादा गुमराह किया कि सपा तो हारी ही हारी, अंत में भाजपा यहाँ दोबारा से सत्ता में आ गई। लेकिन इस आत्मघाती रवैये के बाद भी विपक्षी पार्टियों का बीएसपी विरोधी जातिवादी रवैया अभी भी बरकरार है, जिसके बाद निश्चय ही बीएसपी अब किसी भी मामले में अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र व आजाद है, जो बीएसपी के प्रति विपक्ष की जारी जातिवादी नीति की ही करनी धरनी का ही परिणाम है।
और ऐसे संकीर्ण जातिवादी तत्वों को ना तो पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनका मानवतावादी मूवमेंट गवारा हो रहा था और ना ही अब इन्हें बीएसपी को फलना फूलना हजम हो पा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जबरदस्त जीवन संघर्षों से जो कुछ देश के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों आदि को संविधानिक व कानूनी तौर पर मिला वह ऐतिहासिक व अनमोल था। और फिर इसके बाद उनकी अनुयायी पार्टी बीएसपी के माध्यम से इन उपेक्षित समाज के करोड़ों लोगों को उनके जो संविधानिक व कानूनी अधिकार जमीनी स्तर पर खासकर यूपी में मिल पाया है वे बेमिसाल है, जो इन सभी बीएसपी विरोधी पार्टियों को कैसे हजम होने वाला है। इसलिए अलग अलग पार्टी होते हुए भी बीएसपी के विरोध के मामले में भी ये सभी पार्टियां अंदर अंदर एक हो जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन बीएसपी ये सब कड़वा सच जानकर व समझकर यहां गरीबों, शोषितों व उपेक्षित वर्गों आदि के हित में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह ही पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है और इन वर्गों का हित एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान बीएसपी के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी से कोई समझौता कतई नहीं करती है। तथा अब वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।